में है. डन 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 डन. सो 17 मिनट्स. सो 1+1 देखिए ये होता है. गाइस किसी समय में मैं भी आ सकता हूँ साथ में. तो हम लोग मेरी शॉपिंग में से वो देखो अमेजोन के जो मेरे डब्बे आए ना वहां से वेग जी चुरा रहे हैं. चोरी करते हुए बबल रैप प्लीज ठीक से डिस्पोज ऑफ करना. हाँ इट इज नॉट गुड. ये देखो ये हम सब लोग ठीक है. और हमारे पास बेस खत्म होता हुआ. टेन टेन जो ऊपर से अरे ऊपर से आएगा ये. अरे तो ऊपर से आएगा ये. आपने एक एक चीज पे अच्छे से फोकस किया. वन एट ए टाइम. अरे एक और लगाना हो गया फोकस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे. सो आज के ब्लॉग में हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपके साथ करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ प्रीति अभी कर रही है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या कर रही है प्रीति. आप लोगों के लिए हो रहा है भाई कुछ, तो चलिए देखते हैं क्या कर रही है. हाय एवरीबॉडी. तो आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखने वाला है काफी कुछ स्पेशल. मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लिख रही हूँ जो भी विनर होने वाले हैं उनके गिफ्ट्स में. अच्छा गिफ्ट्स का बताना है मेन तो हमें. यस तो वेग मैंने यही बोला है गाइस को. okay. मैंने बोला है कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है आप लोगों के लिए हो रहा है राइट. या तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम आपके जितने भी गिफ्ट्स थे ना मैंने उनको बैचेस में बांट दिया है. वेग जी बॉक्सेस ले आए हैं. हाँ वो भी मैं दिखाता हूँ. हाँ बॉक्सेस ले आए हैं. बट बहुत मेहनत. देखो प्रीति क्या कर रही है, क्या कर रही है. मैं हैंड रिटन नोट्स लिख रही हूँ. देखिए आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं तो देखिए. आई सो विश कि मैं 3 मिलियन के 3 मिलियन लोगों को दिखा पाती. लेकिन ये हैंड रिटन नोट दे पाती बट दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल. तो ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली जो लोग जीतने वाले हैं उनको गुडीज भी मिलेंगी और मैं हैंड रिटन उनके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा मैसेज. एंड आई होप दिस विल बी चेरिश्ड. आपको अच्छा लगेगा. और अभी हम आपको दिखाते हैं. मैं पहले नोट्स कंप्लीट कर लूं उसके बाद हम आपके गिफ्ट्स पैक करने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे हम कैसे पैक कर रहे हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट. काम एक्चुअली बहुत सारा था तो मतलब और बहुत मतलब मुश्किल भी होता है इतना सारा बड़ा गिव अवे पुल ऑफ करना. बट प्रीति ने सब कुछ बहुत बढ़िया से कर दिया. ऐसी बात नहीं है. बहुत मेहनत करी है इसने. देखो अभी भी लगी हुई है करने में. पापा ने भेज दिए हैं नाम. सब नहीं करी है पापा ने वहां पे करी है. बहुत मुश्किल सबसे मुश्किल पापा के लिए था बिकॉज बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए. बट यस द विनर्स आर नाउ चोजन. तो अब मुझे बस उनका आप लोग के एड्रेसेस वगैरह मैं अनाउंस करूंगी विनर उसके बाद आपने एड्रेस भेजेंगे और फिर हम बॉक्सेस में आपके एड्रेस लिख के आपको मैं बॉक्सेस दिखाता हूँ. एक मिनट तो ये मैं लेके आया. मैंने अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे दिया. देखिए ये पूरा का पूरा जो है दिस इज द टोटल बॉक्स जो आ रहा है. ये बाकी साइड में आप इग्नोर कर दीजिए अमेजोन का कुछ सामान आया हुआ है बट ये अंदर आप देखेंगे तो ये सारे बॉक्सेस हैं. और साथ में मैं ये भी लेके आया हूँ. देखिए ये सेलो टेप जिनसे हम बॉक्स मतलब पूरे अभी बने हुए नहीं हैं उनको हम बनाएंगे एंड देन इसके अंदर सामान रखेंगे आप लोगों के लिए. एंड दीज आर द सेलो टेप्स ब्राउन टेप जो होती है वो भी लेके आया हूँ. तो ये सारा का सारा हम अभी करने वाले हैं आपको दिखाने वाले हैं. बाकी प्रीति आप देखो लगी हुई है. शी इज राइटिंग राइटिंग राइटिंग. बट वही अगर बट जैसा कि प्रीति ने बोला हम तो चाहते थे कि 3 मिलियन के 3 मिलियन लोगों को गिफ्ट दे दें बट पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट एवरी सिंगल पर्सन ऑफ यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया आज तक इन लास्ट मैनी ईयर्स सबको थैंक यू सो वेरी मच दिल से. आई थिंक आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. और ये जस्ट एक हमारी तरफ से एक सिंपल प्यारा सा छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है. ऐसे गिव अवे और भी आएंगे आएंगे बहुत सारे. तो गाइस देखो मैं हर चीज हाथ से कर रही हूँ. तो मैंने मेरे पास ना नोट पैड नहीं था तो मैं ऐसे रजिस्टर में लिख के आई एम पुलिंग द शीट ऑफ. और ये है मेरा मैसेज मेरे प्यारे से विनर्स के लिए. बिल्कुल ओरिजिनल कोई प्रिंट आउट नहीं कुछ नहीं बिल्कुल ओरिजिनल है. हैंड रिटन तो कहाँ मिलता है आज की डेट में. हैंड रिटन में ज्यादा फीलिंग होती है ना. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चिट्ठी लिखना एंड एवरीथिंग. सो यस वही तो चीज है. ये तो हैंड रिटन तो कहाँ मिलता है. हैंड रिटन इज वेरी वेरी प्रीशियस राइट. सो आप सब लोगों जो भी हैं जिनको भी ये मिलेगा एंजॉय करिएगा अपना गिफ्ट.
बाकी हम आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस जल्दी। सो माय वंडरफुल पीपल, मैंने अपना रिटन वर्क तो पूरा कर लिया है जो मुझे हाथ से लिखना था। अब शुरू होता है पैकिंग का काम, विच इज अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि पहले हमें डब्बा बनाना है, वो कार्डबोर्ड आया ना उसको डब्बे फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, somebody is on the door, who I don't know, उसके बाद जितना भी सामान है ना वो मैंने कल सुबह, मतलब आज मॉर्निंग 4 o'clock तक बैठ के मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्चुअली कल रात को वीडियो बनाने में देर हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट्स मैंने देखे, मैंने कहा यार कैसे बांटेंगे ना, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं शुरू हो गई यही डाइनिंग टेबल पर। आई रिमेम्बर मैंने सारे प्रोडक्ट्स रखे बारी बारी और फिर मैंने उनको बांटना स्टार्ट किया और बहुत मुश्किल हो गई। मतलब मुझे 2-2.5 घंटे हो गए मुझे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिकॉज दे हैज टू बी लाइक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे रैंडम नहीं कर सकते थे। तो यस फाइनली आई डिड इट। मैंने छोटे छोटे पैक्स बना के अंदर रखे, अभी हम बॉक्सेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। डाइनिंग टेबल उधर करना पड़ेगा एंड देन विल स्टार्ट द प्रोसेस। सरप्राइज सरप्राइज, कल हम लोगों ने आप लोगों के गिफ्ट पैक नहीं किए और सुबह जब उठे तो हमें ये हो गया कि आज ही लाइव जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि 3 मिलियन होने वाले हैं। तो मैंने फटाफट डेकोरेशन करा दी है, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज डन। वेग जी ने केक बुक कर दिया है जो कि आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द केक, 3 मिलियन प्रीति प्रेरणा यूट्यूब लोगो एंड पहले जल्दी से लाइव से फ्री हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन द लाइव थिंग। क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे है, सब कुछ कंडक्ट करना है कफ, तो मेरे को प्लीज वो भी देखना पड़ेगा। सो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अभी लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है तो हमने रिंग लाइट यहाँ साइड में रखी है, सो दैट यू नो इट्स द परफेक्ट एंगल। सो लेट्स सी, अभी सेटअप कर लेते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से लाइव के बाद जब हम आपके गिफ्ट्स पैक करेंगे। तो हम लोगों ने लाइव टेस्टिंग कर ली है कि लाइव में कैसे होगा, यू नो लाइटनिंग एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। तो वो सारा सेटअप कर लिया है, लैपटॉप इज रेडी, माई चेयर इज रेडी जहाँ मैंने बैठना है, 3 मिलियन पीछे आएगा। एंड अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह से इन्हीं कामों में है। तो अब हम पहले फटाफट ब्रेकफास्ट किया, लंच ही होगा सीधा, तो हम लंच कर रहे हैं और उसके बाद आराम से बैठेंगे, लाइव स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से गपबाजी करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। जी हाँ, काफ़ी लंबा हो चुका है, 2 दिन का गैप मैंने ले लिया और आई कुड नॉट पैक योर गिफ्ट्स, लेकिन आज फाइनली मैंने कोई रेमेडी अपने बालों में की हुई है, वेग जी ने भी की हुई है और आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है। सो अब हम लोग आपके गिफ्ट्स पैक करने वाले हैं। एक्चुअली पैक क्या वेग जी, वो दिखा दो। हाँ। वेग जी लेकर आए हैं कार्टन कार्डबोर्ड्स, लेकिन दिखाया नहीं ना हमने कैसा है। कार्टन है जिनको हमें यू नो वो करके निकाल दो सारा। हाँ, बारी बारी नीचे रख दो ना, तो एक एक करके निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। एक्चुअली कार्टन है जो कि बनाने हैं, मतलब कि गट्टे टाइप है, उनको हमें फोल्ड करना पड़ेगा और डब्बा बनाना पड़ेगा, तो वो अब हम बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट्स मैंने अलग अलग कर दिए हैं, पहले डब्बे बन जाए तब लाऊंगा। एक ही एक ही अभी एक फिर दोबारा निकाल लेंगे, फिर फैल जाएगा सारा। ऐसा ही है, एक है, ठीक है। तो अब हम फटाफट पहले बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट। ओके, टेप्स भी आई हैं, बॉक्सेस भी आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इट गोस। तो गाइस मैंने ना अभी तक ये बॉक्सेस फेंके नहीं है, मैंने बोला था रीयूज करो रिसाइकिल करो, तो मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस बॉक्स में ये डालते बबल रैप, बबल रैप्स भी है, पेपर्स भी है, कार्डबोर्ड भी है, वो मैं इसमें ठूस के और प्रोडक्ट डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम वापस में एक बार फाइनल प्रोडक्ट डाल गया इसके अंदर, उसके बाद हम पूरा अच्छे से टेप से रैप कर देंगे, इसके एजेस वगैरह भी कर देंगे, इनकेस कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये एजेस है कि वो तो कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता है ना। नहीं देखो क्या करना है हमें, ये तो हो गया बॉक्स, इसमें पहले ये, फिर प्रोडक्ट, फिर मैंने जो हैंड रिटन नोट लिखा है वो, ठीक है, फिर थोड़ा सा ये और, फिर सील पैक। बैठ के नहीं होगा वैसे, काम खड़े होके होगा, खड़े होके होगा। मैं वही कंपटीशन लगाते कौन पहले करता है। नहीं हां, गवान ऐसा कुछ नहीं है, पहले डब्बे डब्बे बना दे, टेप करा दे, चल ठीक है, ऐसे रख देते हैं। ये नहीं यार, साथ साथ लगा के तो फ्रेशनेस रहेगी शायद।
नो प्लान गाइस, बिल्कुल जीरो प्लान है। जीरो प्लानिंग के साथ ये वीडियो स्टार्ट किया गया है, तो आप ये सारे यहाँ पे सारे ब्लूपर्स हैं, वीडियो एक कुछ ही बनता है। मैंने बोलने में फोकस कर लिया ना। देखा मैंने फोकस किया बोलने पे। अरे बोलने पे किया भाई। So this is recycling, Nykaa का जो सामान था वो मैंने रखा था कि यूज हो जाएगा। काफी है जो ऊपर से आएगा। अरे ऊपर से आएगा ये। अरे ऊपर से आएगा ये। ये तो ये sufficient। तो फिर तुमने कौन सा कांच की ग्लास थोड़ी भेज रही हो? तो थोड़ा सा प्लान में चेंज हो चुका है। हमने बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन किया कि कैसे करें क्या करें। वो शूट नहीं किया मैंने कि हम दोनों आपस में यू नो वाद विवाद चल रहा था कैसे होना चाहिए। फाइनली वेग जी का आइडिया जीता। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम सारे बॉक्सेस यहाँ लगा रहे हैं जो हमने ऐसे मतलब ऐसे रेडी किया ऐसे, और इसमें हम पहले बेस लगा रहे हैं कोई भी फोम का या पेपर का जो भी मिलेगा। लिमिटेड सामान है और हमने अब शूटिंग शुरू कर दिया तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे करेंगे। ठीक है, तो हम बेस बना रहे हैं, आप लोगों के प्रोडक्ट्स ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरा हैंड रिटन नोट रख रहे हैं दो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऊपर से रखने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो हम अपने सके। वो तो फॉर्मेलिटी है, मेन है ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो यही मेन है कि हमने सामान रख दिया, लेटर रख दिया, उसके बाद पैकिंग वैकिंग, तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट होगी आप एड्रेस भेजोगे, फिर उसके बाद वो सब चीजें होंगी। ठीक है, डन। तो अब ये कर रहे हैं हम सारे बॉक्सेस रख रहे हैं और सामान मतलब बेस बना के सामान रख रहे हैं। गाइस हो क्या रहा है कि बेस बनाया जा रहा है सारे के सारे गिफ्ट्स के लिए। सारे बॉक्स के अंदर ऐसे हमने पेपर्स वगैरह डाले हैं जो हमें मिला, झिल्ले मिले हमने सब डाल दिया ताकि बेस बन जाए और उसके ऊपर हम प्रोडक्ट्स रखने वाले हैं। तो सामान पड़ गया कम। अब हमने क्या किया, मैंने ऑलरेडी अमेजोन से कुछ सामान मंगाया हुआ है, हॉल करने वाली थी मैं पर शायद नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हमने वो सारे बॉक्सेस खोल दिए और उसके अंदर जो वो आया था ना बेस जो भी आया था मतलब सपोर्ट वो हमने इसमें डाल दिया। सो ज्यादा वैसा सामान नहीं था, नॉर्मल घर की ग्रोसरी टाइप था, तो बस ठीक है अब हम वो इसमें डाल देंगे। गुड यूटिलाइजेशन। ओके, एक बॉक्स के अंदर थर्माकोल डालना पड़ा हमें बिकॉज वही विकल्प था। प्लीज ठीक से डिस्पोज ऑफ करना, हाँ इट इज नॉट गुड। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है थर्माकोल, पर क्योंकि मेरे पास आया था तो मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ, बट प्लीज डिस्पोज इट ऑफ वेल। तो ये सारी पैकिंग हो गई है।
सो बेस रेडी हो चुका है, बेस एक डब्बा, डब्बे के अंदर बेस बना दिया प्रोजेक्ट्स के लिए। जब आप डब्बे में से सामान निकालोगे, छोटी छोटी चीजें भी हैं, तो कूड़ा इतना कि फेंक मत देना साथ में। तो थोड़ा ढंग से चेक कर लेना, उसके बाद फिर आप रखना, ठीक है? अलग कर लेना पहले पूरा एक जगह पे, फिर उसके बाद। ऐसे करेंगे ना, मैं फोटो खींचूंगी। इतना भी नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ सारी नहीं यार, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मैं तो कर सकती हूँ, गारंटी। तभी वो एक थैले के अंदर सिस्टम बहुत अच्छा था। अच्छा गाइस सुनो आइडिया, मैंने डब्बे के अंदर यहाँ पेन से लिख रही हूँ कितने प्रोडक्ट्स हैं। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स नाइस। मैं पेन लेके आ रही हूँ, मैं उस डब्बे के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं वो लिख रही हूँ इस डब्बे के अंदर, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि आप कोई फेक नहीं दो। अभी सारे डब्बे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ 7 लिख रही हूँ, मैं एक शूट वहां से भी कर दूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो मत बताना कहीं तीन होंगे हो जाएगा, कोई नहीं पता। गाइस किसी डब्बे में 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, किसी में 7 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वैल्यू मैंने ऐसे रखी है कि ऑलमोस्ट सबके पास सेम जाएगी। हां तो कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, साफ सुथरा सब सबको। ये मैं भूल जाऊंगी, 7 7 लिख दो अभी साथ साथ। गाइस मैं ये ग्लिटर पेन से लिख रही हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज नंबर 7 स्माइली। चार। मैं सोच रहा हूँ लिया ही नहीं, बस जीत के मेरा नाम अनाउंस हुआ एंड आई वाज हैप्पी। हमारे घर में जितना कूड़ा था आज हमने जितना भी हमारे घर में प्लास्टिक बबल रैप सब था, वो हम सब साफ कर चुके हैं। आपकी वजह से हमारा घर साफ हो गया, मैं आप सबको थैंक यू करता हूँ। मेरा घर नॉट कूड़ा, मैंने नायका का चीज संभाल के रखा था, दिस इज नॉट कूड़ा, व्हाटएवर, कूड़ा थोड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको आप, ठीक है? ये मतलब चार इतने दिन से मैं भी तो देख रहा हूँ ना गाइस, रुका हुआ था। चलो ये देखो आप, ठीक है? क्या ये देखो आप, ये देखो, ये तो अभी सारा भर दिया हमने इसके अंदर, जो वो था ये देखो, ठीक है? एक डब्बा आपका, ये देखो ये, और ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देख के दिल दुखता है गाइस। गंदी सेव कर दो, टोटल और मैंने 17 गिफ्ट बना दिए, यानी कि एक विनर चूज करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री एज यू सेड, यस, ठीक है? एक मिनट मेरी तरफ से, मैं अनाउंस कर दूंगी, मैंने बताऊंगी कौन सा वाला है इनमें से, ठीक है? ये 16 नाम पापा ने दिए, एक मैं ऐड कर रही हूँ, तो 16 हो जाएंगे, वो डब्बा भी यूटिलाइज हो जाएगा। यस, डब्बे तो बहुत हैं हम, बस हो जाएगा, ठीक है? सो 17 विनर्स, सो 1+1 देखिए ये होता है। चलो आप लोगों ने शिद्दत से इतना चाहा कि एक एडिशनल हो गया, शाहरुख खान का डायलॉग कैसे कर दिया मुझे, मेरे दिमाग में 16 भी देख ले, कहीं हम खुद ही बेवकूफ बन रहे हो। नहीं भाई 15 ये रहे, ऐसा तो नहीं है दो सामान एक जगह डिवाइड हो गए, एक ही सामान था पर दो जगह डिवाइड हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो सबसे कम ये है 3 वाला, उसमें 2 आई शेडो पैलेट है, परफेक्ट है, इसमें एक ये 3 है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, ये कितने? नहीं मैंने सारे ऐसे बनाए भाई, ये डब्बा खाली है रे, ओ
गाइस सब कुछ वापस ले लो, आप इसलिए 2 मिनट का कोई शाहरुख खान का डायलॉग याद नहीं रखना है, कुछ नहीं होता, कोई चिंता से जाओ कुछ नहीं मिलता। चलो गया, ठीक है, 16 मिनट्स वापस ले लो भैया। जब ऐसे फैक्ट्री खोलियो घर में तो होता है। वैसे मैं 70 बना सकती हूँ बीबी, मेरे पास सामान बचा है जो मेरे नायका में आया था, वो सामान बचा है। ठीक है, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए एक एडिशन विनर और दे देते दे, कोई अब इसको बना देते, ये अनहोनी हुई है तो अपने आप ही भी है ना, जेन्युइनली हमने तो इसको सोचा था नहीं, तो अभी बना दे विनर। ओके, तो एक्सीडेंटली इस ब्लॉग की वजह से एक और विनर आ रहा है 70, जिसको मेरे नायका में से सामान मिलेगा। ठीक है, तो वो रखा है, मैं वो उसमें ना करूं। चलो ठीक है गाइस, हमें ये पैकिंग करते हुए हो चुके हैं 2 घंटे। हां 2 घंटे हो चुके हैं और हम अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर नूब्स। तो हम लोग मेरी शॉपिंग में से, वो देखो अमेजोन के जो मेरे डब्बे आए ना, वहां से वेजी चुरा रहे हैं, चोरी करते हुए बबल रैप, और उसके बाद हम यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। बहुत गलत डिसीजन था, हमें बबल रैप लेके आना चाहिए था इसके साथ, लेकिन हम नहीं लेकर आ पाए। एंड तूने बोला ना कि काफी हो जाएगा। हाँ क्या वो भी था, मुझे कौन सा आइडिया था, मुझे भी आइडिया नहीं था। डब्बे भी बड़े, हाँ ये भी प्रॉब्लम है, गहरा बहुत है ना, सामान तो इतने में आ गया पर इतना सारा फिर स्पेस है तो वो भी फिल करना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट डन, अब मैं ये पेपर्स जो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं ये मैं आप लोगों के लिए हर बॉक्स में डाल रही हूँ। सब में है, डन 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 डन, डन। एक वो छूट ले लो। सो गाइस, मैं आपको एक ओवरऑल दिखा रही हूँ ये ऊपर से कैसा दिख रहा है। हालांकि ये 15 है, एक हमने शुरू में पैक कर दिया था वो वहां रखा है, और एक मैं अभी एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ। सो आप ओवरऑल ये देख लो, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये था हमारा एफर्ट टू मेक योर गिफ्ट्स, ये बॉक्सेस हमने रेडी किए हैं, अब इनमें आपके एड्रेसेस लिखे जाएंगे और इनको फाइनल पैक करके और फिर डिलीवर करने के लिए भेजा जाएगा। yes. तो सबसे पहले तो देखते हैं किस किस को डिलीवर होने वाला है। लेट्स चेक आउट हु ऑल आर द विनर्स। Many, many, many congratulations to all the winners. It is really, really wonderful. आप लोगों के comments read करके मैं overwhelmed थी. Thank you so very much. आप सबके प्यार के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए, जो इतने खूबसूरत से comments आपने किए उन सभी के लिए thank you so very much. ये जो gifts आपको मिल रहे हैं ये मेरी तरफ से नहीं, ये पूरे के पूरे प्रीति परिवार की तरफ से है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो वेरी मच पापा इतने मुश्किल काम को आसान करने के लिए। वो सभी लोग जो नहीं जीते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इनिशियली मैंने सोचा था कि शायद 2 या 4 विनर्स होंगे, पर इतने सारे कमेंट्स देख के बिलीव मी खिसकते खिसकते ये 16 एंड देन 17 यू नो गिफ्ट्स हो गए हैं। निराश मत होइएगा, मैं और गिव अवेज लेकर आती रहूंगी और हम ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। आप सबके कमेंट्स इतने प्यारे थे कि मैं सच बता रही हूँ, आई नो पापा के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि विनर चुने, और एक या दो नाम तो इम्पॉसिबल थे बताना। सो थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज वंडरफुल आप लोगों के लिए इस गिव अवे को अनाउंस करना, मतलब अरेंज करना, गिफ्ट्स लाना, पैक करना, आप इसको भेजना है, और आप सभी अपने जो विनर्स हैं अपने ही कमेंट पर वापस आएंगे। आई डोंट नो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, बट दिस इज द ओनली वे कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। अपने ही कमेंट पर आकर आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट होंगे और अपना एड्रेस मुझे कैसे देंगे। आई डोंट वॉन्ट कि कोई फेक आईडी बना के आ जाए एंड स्टफ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने ही कमेंट पर आकर मुझे बताएं कि आप मुझे इंस्टा डीएम कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी और ये जो आपके गिफ्ट्स बने हैं इनको मैं डिलीवर कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी रिलेटेड एंड एसोसिएटेड टू प्रीति प्रेरणा। थैंक यू पापा, थैंक यू विक जी,
विच इज अ लिटिल बिजी अभी. उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए. बिलीव मी, मैं तीन दिन से आई वॉज सो बिजी कि मैं नहीं बना पा रही थी, बट इट्स बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट कि सारे के सारे गिफ्ट्स रेडी हो पाए हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति पेड़ना के चैनल से जुड़े रहिए. आई लव यू ऑल. टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल द विनर्स. मिशन पूरी तरह से पूरा होने ही वाला है. लास्ट स्टेप टू गो. मैं आपको दिखा दूं बॉक्सेस. देख जी हटना, मुझे बॉक्सेस दिखाने. दीज आर द बॉक्सेस. खुशी हो रही है सारे पूरे करके.